हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह कंपेटिटिव स्टेटमेंट आज हम लोग का लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे से हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईयर का डेटा किताब में दिया हुआ है, सेंस भी किताब में दिया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज चेंज होगा उसका रेशियो, उसके बाद ट्रेंड रेशियो। ट्रेंड रेशियो मतलब जोड़ते जाएंगे रेशियो में। सेल्स 200,000 इसी को बेस माना गया है। इसका इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं, क्योंकि ये 200,000 बेस है, इसका परसेंटेज भी नहीं निकाला गया। अगला सेल्स हो गया 240,000, यानी 200,000 से 240,000 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 40,000, ठीक है। नेक्स्ट अब हो गया 160,000, तो 200,000 से 160,000 घट गया, 40,000 डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब माइनस। फिर 200,000 से हो गया 225,000, यानी कि यहाँ पे 25,000 बढ़ रहा है यानी इंक्रीज ओपन। यहाँ पे 2,50,000 हो गया 200,000 से, यानी कि सारे का जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं 200,000 से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2,50,000 यानी 50,000 बढ़ गया, 3,00,000 यानी 1,00,000 बढ़ गया। अब आइए परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 40,000 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 40,000 गुना 100 बटा में 200,000। अगली बार आपका माइनस में है ये 40,000, तो 40,000 गुने 100 बटा में 200,000। जब ये माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में ही आएगा। अगली बार 25,000 गुने 100 बटा में 200,000, 50,000 गुने 100 बटा में 200,000, 1,00,000 गुने 100 बटा में 200,000। आप सारा वर्किंग करना, तब तो समझ में आएगा कि आपका परसेंटेज सही निकला है कि नहीं। नेक्स्ट अब रेशियो में, तो आपका पहली बार परसेंटेज माना गया है रेशियो में 100, अगली बार इसमें 20 जोड़ दिया गया तो हो गया 120, फिर 100 में से 20 घटा दिया गया तो हो गया 80, फिर 100 में 12.5 जोड़ दिया गया जो ओपन है यानी मतलब पॉजिटिव है तो हो गया 112.5, फिर 100 में 25 जोड़ दिए तो 125, फिर 100 में 50 जोड़ दिए तो 150। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगभग ये पूरा बन गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके वर्किंग सारे कर लेना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वर्किंग मैंने एक वर्किंग करके दिखा दिया है, बाकी वर्किंग आप कर लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी न लाभ कमाने वाली संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्द ही मिलते हैं, यानी मंडे को मिलते हैं न्यू चैप्टर में एकदम अच्छी तरीके से फुल कमांड के साथ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।